दीजिए। ठीक, मेरा नाम नंदा कुमार दिलीप यादव है। मैं वैसे रहता हूँ कसरावत, पर मैं पहले रहने वाला महाराष्ट्र से हूँ। बाकी मैं 15 से 17 साल से फिलहाल कसरावती खरगोन डिस्ट्रिक्ट में कसरावत तहसील है वहीं रहता हूँ। ओके सर, थोड़ा ये नींबू के बारे में बता दीजिए जो आप क्रॉपिंग कर रहे हैं उसके देखो, बारे में। मेरा शुरू से ही ज़्यादा लगाव जो है मेरा हॉर्टिकल्चर में, बहुत शुरू से ही, मेरे घर से खेती करते हुए भी हम हॉर्टिकल्चर में ही रहते हैं। और मेरा शुरू से लगाव हॉर्टिकल्चर में रखने की वजह से मेरा एजुकेशन भी हॉर्टिकल्चर से जो है हुआ है। और बगीचे मेरा मेन, मेरे को शौक बगीचों का ज़्यादा है। तो वैसे अभी कसरावत में हमारे ऐसे में ये मान के चलो कि बहुत सारे नींबू के बगीचे हैं, और नींबू यहाँ हर साल नया भी लगता है, पुराने भी निकलते हैं। तो उस हिसाब से आपको नींबू का मैं शुरू से लेके आखिरी तक इसमें क्या क्या दिक्कतें आती है, कब लगाना चाहिए, क्या होना चाहिए, कटिंग कब करना चाहिए, इन चीज़ों का आपको मैं थोड़ा सविस्तर इस वीडियो में आपको जानकारी देता हूँ। तो सर जैसे ये कितने मंथ का होगा लीजिए। ये अभी हमने जून में प्लांटेशन करा हुआ है, तो जून से लेके अभी ये समझ लो अपना अभी फरवरी चल रहा है, तो ये अभी ये समझ लो कि 8 महीने का ये पौधा है। 8 महीने में इसको हमने 3 बार से 2-3 बार कटिंग करी हुई है, और नॉर्मली 1 से 2-3 बार हमने इसमें स्प्रे का शेड्यूल है। बाकी इसमें कटिंग नीचे से जो कर दी है, तो इसमें नॉर्मली 1.5 फीट तक आपको हमेशा पौधे की सफाई रखना है, और उसके बाद जो ब्रांच ऊपर फैल रही है उसको ज़्यादा कटिंग नहीं करना है आपको, खाली नीचे की साफ सफाई मेन इसमें मायना रखती है। सर इसका जो मेन बगीचा है वो हाँ, सामने दिख रहा। वो बड़ा बगीचा जो है अपना वहाँ भी है, वो नॉर्मली ये समझ लो कि आपके 500 पौधे के आसपास बगीचा है, तो वो आपको लेके आपको बताते हैं। ओके सर वहीं पे चलते हाँ, हैं। वही चलते हैं। जैसे कि हम पुराने बगीचे में पहुंच चुके हैं तो थोड़ा इसके डिटेल में बताइए, कब स्टार्ट किया था और कितना टाइम हो चुका है अभी। देखो, इस बगीचे को वैसे नॉर्मली ये शुरू से लेके अभी तक पकड़े तो ये 8 से 9 साल का बगीचा है, और इसमें हमने कम से कम 5 से 6 बार हमने क्रॉप ले चुके। शुरू के अपन 4 साल छोड़ दे तो इधर हमारे 5 साल ये हमको 5 साल से हमको ये फल दे रहा है। सर जैसे कि कुछ अभी फसल रहती है उसकी एज रहती है, इस टाइम तक अच्छा एवरेज देता है, तो इसका आप टाइम पीरियड बता सकते हो कितने टाइम तक ये देखो, अच्छा। बगीचे को कितने समय रखना और कितने समय चलाना है, ये बहुत चीज़ें क्या होता है किसान के ऊपर डिपेंड करती है कि उसका मेंटेनेंस क्या बोलता है और उसके अंदर वो काम क्या कर रहा है। इन चीज़ों पे ही बगीचा खूबसूरती भी रहता है। मैनेजमेंट मैनेजमेंट सबसे मेन चीज़ इसका मायना रखता है। और रही बात इसका जो क्रॉप की है, तो ये अभी तक हमको अच्छी खासी यील्ड में चल रहा है। सर जैसे कि जो मैनेजमेंट आपने बताया, तो मैनेजमेंट में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए इसमें। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि बगीचे का जो बरसात होती है, इसमें क्या होता है कि इसका रेस्टिंग पीरियड चालू होता है नवरात्रि के पहले पहले। नवरात्रि के बाद कभी इसमें पानी जैसे बरसात हो जाती है, तो फिर इस पे अपना क्या होता है कि समय आगे लेट होता जाता है। नींबू बाजार में अपन को मार्च में जो आना चाहिए फिर वो अपन को लेट मिलता है, तो उसके तौर पे अपन को क्या होता है कि इसमें जो ऊपर स्प्रे में जो होता है, बोर्डो हो गया, ईस्टर्न कापर चूना हो गया, या फिर अपने घर का जो नीला तोता मोरचूत अपन जिसको बोलते हैं, चूना मोरचूत कापर अपन जिसको नॉर्मल नीला तोता हिंदी में नीला तोता बोलते हैं, इनका घोल करके अपन को उस 15 दिन के अंतर में इसमें नॉर्मली स्प्रे करना पड़ता है, तब जाके पौधा हार्डिंग पे आता है, फिर वापस वो फ्लावरिंग के लिए तैयार होता है। एंकर की भी समस्या हल होती है और उससे। बरसात में मेन चीज तो ध्यान रखना चाहिए कि बरसात में अभी हमारे बगीचे में आपको ढूंढने से भी कैंकर ज्यादा नहीं मिलेगा। ये जो हमारे जो संजय भाई है, ये नॉर्मली इस चीज को काफी समझते भी है और प्रॉपरली प्रैक्टिकली ज्यादा ध्यान देखते हैं, प्रॉपरली उनका बगीचों पे ध्यान बहुत ज्यादा रहता है। जैसे आपने जो कैंकर बताई, ये हाँ, किस तरह से होता है, कैसा दिखता है ये क्या थोड़ा। होता है कि जब भी बगीचा बरसात के गर्मी के समय लोड में ज्यादा रहता है, तो लोड में जब भी ज्यादा रहता है तो क्या होता है कि बरसात गिरने के बाद जमीन से थोड़ा स्पाइटरस्पोरा सर्कसपोरा का अटैक बढ़ता है, तो इससे क्या होता है कि ये पत्ते पे डब्बे आने लग जाते हैं शुरुआती पहली अवस्था में। तो उसके बाद क्या होता है कि ये लग पे जो है कि नहीं ऐसे गठाने दिखने लग जाती है, और वो डगाल जो है कि नहीं धीरे धीरे सूखते चली जाती है। देखो, हाँ, एक डगाल अपन को इधर मिली हुई है, इस टाइप से, ये जो चीजें होती है ये इसका मेन कैंकर का है। ये जो चीज दिख रही है ये नींबू की सबसे बड़ी बीमारी है, कैंकर, इसी को नींबू का कैंसर बोल सकते हैं आप। ओके
तो ये धब्बे लग जाते हैं आगे, जो भी चिड़िया जो होती है वो जाने रुक देते। जाता है ना, ये डगाले सूखते चली जाती है धीरे धीरे, ये पौधा डाउन होते जाता है। इसी चीज को आपको समझना है और इस पे ध्यान ज्यादा रखना है। ओके, ये मेन, ये मेन नींबू की सबसे मेन बीमारी खाली एक है कि कैंकर, और नींबू के ऊपर भी इससे धब्बे आते हैं। धब्बे आते मतलब ये डगाल से, मतलब पत्ते पे आता है, पत्ते पे से डगाल पे जाता है, डगाल पे से नींबू पे जाता है। तो उसकी वजह से वो नींबू मार्केट में भी दिखता नहीं है, मतलब उसको फेंकना पड़ता है। तो ये परजीवी समस्या है कि कुछ? परजीवी नहीं, ये कैंकर मतलब एक बीमारी है, मौसम से आती है। मतलब प्रॉपरली जब भी ये ज्यादा आएगा तो ये बरसात के समय ही और ये कांटे वाली फसल में ही ज्यादा आएगा। इसके लिए क्या है, प्रॉपर बारिश स्टार्ट होती है उस समय स्प्रे करना पड़ता है इस कॉपर का। ओके, उसके बाद फिर 2 महीने बाद इसका वापस एक स्प्रे करना पड़ता है। हर 45 दिन में आपको कैंकर का स्प्रे करना है। ज्यादा यूज होता है, कह सकते हैं पूरा बायो हर्बल काम होता है नींबू के अंदर। और इसकी जड़ से भी हमको स्टैंड कॉपर डालना पड़ता है टहनी में, जिससे क्या होता है कि नीचे जो बारिश में जो फंगस डेवलप होता है, जड़ सड़न वगैरह जो भी चीजें होता है, उसको अपन को ड्रिंचिंग के द्वारा कापर बीच बीच में देना पड़ता है। इसको बारिश में 2 बार कम से कम 4 महीने के अंदर में इसको हम प्रति पौधे पर 4 लीटर पानी स्टैंड कापर डालते हैं, और चूने के साथ में और 5 लीटर पानी प्रति पौधे पर 4 महीने के अंदर 2 बार स्प्रे करते हैं। उसको मॉड्यूल कर लेते हैं और ट्रैक्टर की बोर्डो, जिसको बोर्डो भी बोलते हैं, बोर्डो पेस्ट बोलते हैं। बोर्डो पेस्ट मतलब वो नीचे पुताई के लिए होता है, उसी में बोर्डो पेस्ट जैसे अपन 1-1 किलो का तैयार करते हैं, उसी में वापस आप 100-200 लीटर पानी में उसको ऊपर स्प्रे में भी ले सकते हैं। अभी इसके बाद अभी फ्लावरिंग स्टेज पूरी हो गई, हमने 2203 ईसा अभियान ये जैसे क्या होता है कि मधुमक्खी जब फूल आते हैं ना, उसके बाद इसमें भी मधुमक्खी का मेन रोल रहता है। तो उसके बाद इसमें भी उस समय केमिकल का यूज आपको नहीं करना। मतलब ज्यादा करके नींबू में आप जितना बायो में कर सकते हो उतना करो। बायो पेस्टिसाइड आती है बाजार में, वो भी यूज कर सकते हो। उसके बाद जो है ये आप ये मार्च अप्रैल में हमको बाजार में आ जाएगा, तो उससे हमको आमदनी अच्छी होती है। ये देखिए जिस तरह लगा है, हमने इसमें 2203 ईसा अभियान है ना, और एक फंगीसाइड का स्प्रे करा है जिससे मधुमक्खी डिस्टर्ब नहीं हो। हाँ। और बाकी परागीकरण भी चलता रहे, हमेशा इसमें माल हमेशा लगता रहता है। जो भी लगा है पर उस समय पर रेट नहीं रहते हैं, लेकिन ये जो माल तैयार कर लिया है इस तरह का, इसका मार्च अप्रैल में रेट अच्छा रहता है। ओके सर, जैसे कि ये जो आपने डीजी बोली थी, इसके अलावा जो मक्खियां और इनकी भी कुछ प्रॉब्लम रहती है कि कुछ नहीं रहता? देखो मधुमक्खी का रोल हॉर्टिकल्चर में सबसे मेन माना जाता है, क्योंकि क्या होता है कि हॉर्टिकल्चर में मेल फीमेल ये दोनों चीजें एक साथ आती है। तो क्या होता है कि जब से वो मेल फीमेल क्रॉसिंग नहीं होगी तब तक उस चीज का उसमें परागी भवन नहीं होता। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मेरे यहाँ फूल खिल रहे, ड्राफ हो रहे, बहुत सारे गिर गए। तो उसका कारण ये होता है कि आपको मधुमक्खी के प्रति आपको थोड़ा सचेत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उस हिसाब से उसको आपको ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। और उसके बाद रही बात, जैसे माल लग गया तो आपको जमीन की जो फर्टिकेशन वगैरह, जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट जो है, इन चीजों को भी आपको खास तौर पे ध्यान देना पड़ेगा। रही बात पानी मैनेजमेंट की, पानी के लिए भी आपको इसमें जितने पौधे की केनोपी है, मतलब पूरा पौधे का जितना बड़ा डेरा है उतना बड़ा उसके नीचे उसका थाला भी मिलना चाहिए। ये जैसे आप पूरा देख लो, हमारा थाला डायरेक्ट एक दूसरे से मिला हुआ है। और बकायदा जब भी माल आपका हो जाए और बड़ी गांठ, मतलब जैसे छोटी गांठ बन जाए, तो उसके बाद आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि उसमें गुताई करना है, कि उसको मिट्टी को पलटी करना है, इन चीजों पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें मेन भूमिका है, आपने जो भी फसल प्याज का देखा है, नींबू का देख रहे हो, इसमें सबसे अहम भूमिका रहती है तो पानी की। पानी का मैनेजमेंट बड़ा ही हर फसल के लिए बहुत जरूरी है। और बाकी रहा गोबर खाद, तो गोबर खाद हर साल में एक पौधे को 20 किलो देना है और सुपर फास्फेट देते हैं, मतलब उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट देते हैं, मैग्नीशियम देते हैं, सल्फर देते हैं, अमोनियम सल्फेट देते हैं। ये हम टप्पे टप्पे पे सभी चीजें उसको देना चालू करते हैं। और पानी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पानी 6 महीने नींबू में बंद रहता है, 6 महीने चलता है। अब कब चलाना है और कब फ्लावरिंग उठाना है, यही सबसे अहम भूमिका है इसके अंदर बागवानी। ओके सर, जैसे पानी का बताया तो पानी आजकल ड्रिप सिस्टम बहुत होते हैं, पर इसमें आपको मैं देख नहीं रहा हूँ ड्रिप सिस्टम नहीं है इसमें, तो थाले बने हुए हैं। तो इस तरह से आपको कुछ इसमें ड्रिप सिस्टम जब डालना है तो ये बारिश के टाइम में डालेंगे, हमने निकाल दिए। ओके, हमें काम करने में क्या है, इस समय गर्मी में इसको फ्लड पानी ज्यादा लगता है। ओके, क्या होता है कि पौधा जब नया फूल उठाता है या फ्लावरिंग उठाता है,
उसके पहले जमीन का जो भी मतलब जो भी अपन को काम करना है, गोबर खाद देना है, ये जो भी चीजें देना है, तो उस समय कटिंग करके उन चीजों को डाला जाता है, फिर वापस उसके थाले जो गोलाई वगैरह है बाहर से मिट्टी खींच के उसको थाले बनाए जाते हैं। ये क्या होता है कि अपन ड्रिप मैनेजमेंट कर सकते हैं, पर क्या होता है कि पौधे की केनोपी के हिसाब से तो उसको क्या होता है कि जमीन को जो पानी की मात्रा चाहिए तो उस हिसाब से थोड़ा फ्लड इरिगेशन में बगीचे को और ज्यादा अच्छे तरीके से मिल जाता है। आप देख रहे हो जो हमने हाला बनाया, पहले कटिंग करी, फिर ये बनाया, अब क्या पानी दिया, अब इसको एक खोरा दिया, अब इसके बाद जो हम ड्रिप है हमारे पास उसको ऊपर डाल देना, हमारे पास में कोई काम नहीं है, लेबर आएगी तोड़ेगी और बिनेगी, तो ड्रिप क्या है बार बार ये काम करने में तकलीफ देती है, तो एक दो पानी हम ऐसे दे देते हैं, अब कंटिन्यू इसमें पानी चला करेगा और हमारे पास जो जुलाई अगस्त तक जो अमृत वगैरह जो बना रहता है वो भी हम इसमें चलाते हैं, डीकम्पोज चलाते हैं ड्रिप से, अब वो चला करेगा नॉर्मल, जब धूप तेज रही तो फ्लड आ जाएगा, जब कम देना है पानी तो ड्रिप चालू कर देते हैं, दोनों व्यवस्था है हर जगह। ओके सर, जैसे कि ये जो बगीचा लगाए हैं, कुछ ऐसा सीजन है कि इस सीजन में इतनी क्रॉप, एक साल में कितनी क्रॉप ले सकते हो वो बता दीजिए थोड़ा सीजन वाइज। देखो नॉर्मली क्या होता है, नींबू साल भर चलता है और साल भर फ्लावरिंग भी देता है, पर क्या होता है कि अपन को फल बाजार में कब बेचना है और कब उसके रेट ज्यादा आते हैं, तो उसके लिए अपन को उसकी तैयारी उसी समय करना पड़ती है। तो क्या होता है कि जैसे बगीचा अपन को सबसे ज्यादा नींबू की जरूरत कब पड़ती है, गर्मी में, और सबसे ज्यादा रेट भी कब रहता है उसका, गर्मी में, मतलब मार्च के बाद से लेके मई जून तक, मतलब इसका रेट हमेशा ज्यादा मिलता है। तो क्या होता है कि नवरात्रि के बाद इसमें ट्रेस आता है, मतलब ट्रेस पे जाना, पौधे को ट्रेस पे जाना पड़ता है, ट्रेस पे जाने के बाद नवरात्रि जैसी खत्म होती है, फिर इसका टोटल जो भी मैनेजमेंट है, कटिंग करना वगैरह ये सब चीजें कंप्लीट करके, जो भी अपन इसमें क्या होता है ट्रेस के लिए दो स्प्रे करते हैं, ईस्टर्न कॉपर चूना, मतलब बोर्डो अपन जिसको बोल सकते हैं, बोर्डो तैयार करके आप इसमें दो स्प्रे कंटिन्यू 10-10 दिन के अंतर में करें, फिर उसके बाद पुराने पत्ते जो भी पौधे पे रहते हैं वो लिप ड्रॉपिंग होती है, मतलब आप इधर देखोगे कि ये इसको लिप ड्रॉपिंग बोलती है, मतलब ये पत्ते गिरना बहुत जरूरी है, जितने पत्ते आपकी ज्यादा मात्रा में गिरेंगे उतनी मात्रा में आपकी यहाँ फ्लावरिंग की मात्रा बढ़ेगी, तो वही चीज आपको हमेशा हर साल करना है। तो ये कटिंग हर बार करनी पड़ती है, हर बार होती है, क्योंकि क्या होता है वजन पे हर बार पौधा नीचे जमीन पे आता है, कटिंग खाली ऊपर नहीं करना है आपको, खाली जमीन में जो नीचे काम करना है उसी के तौर पे आपको कटिंग करना है, और आइट साइड अपन जैसे जा सके, जैसे ये मैं अंदर से इधर जा सकूं, तो इस पर्पस में आपको इस जगह को हमेशा खुला करना है, क्योंकि नींबू बाहर कहाँ से लाओगे। ओके सर, तो जैसे जमीन से कितनी हाइट तक कटिंग करना है? नॉर्मली ये समझ लो कि आदमी की जो कमर रहती है, मतलब 2.5 फीट 2.75 फीट, बस इतनी दूर में आपको पौधे के नीचे हमेशा एरिया सफाई में रखना है। ओके सर, जैसे कि ये तो सब हो गया, मुझे अभी तक इसकी किस्म नहीं पता कौन सी किस्म है। देखो अभी अपने निमाड़ में वैसे सबसे ज्यादा लगता है सरबती है ना, और एक कागजी, मतलब निमाड़ में कागजी लगता है, महाराष्ट्र में सरबती बोलते है उसको, मतलब निमाड़ में उसको कागजी बोल रखा है। है वैरायटी लगभग दोनों का सेम स्ट्रक्चर है, और अभी फिलहाल में थोड़ा कैंकर का समस्या बनने की वजह से थोड़ा लोगों ने अभी बालाजी पे ध्यान बढ़ाया हुआ। तो ये दो वैरायटी निमाड़ में कागजी और बालाजी, ये ज्यादा सक्सेसफुल है और व्यवस्थित है, भी कागजी बोलते है उसको। हाँ, तो ये साथ में आपने कागजी और ये किस्में बताई, पर किसान के पास इतना बजट हमेशा रहता नहीं। हाँ। तो कुछ सरकार द्वारा कुछ अनुदान और ये कुछ मिलता है? इसमें बहुत सारे सरकारी अनुदान भी मिलते हैं, और नींबू में क्या होता है कि बहुत ज्यादा बजट लगता है ऐसा नहीं, शुरू में क्या होता है इसका मेंटेनेंस संभालना बहुत बड़ा है, क्योंकि क्या होता है नींबू का पौधा तुम अच्छा 2.5-3 फीट का लोगे तो 20-25 रुपए में अच्छा पौधा आपको बाजार में मिल जाता है, पर ऐसी जगह से ले कम से कम वो आदमी व्यवस्थित हो, गारंटेड हो, उसी से पौधा लेना थोड़ा ध्यान रखे। जैसे कि मेरे साइड में भी एक बगीचा लगा हुआ था। हाँ। उसमें नींबू की प्रॉब्लम बहुत आ रही थी, मतलब नींबू लग ही नहीं रहे थे। हाँ। एक 2-3 साल का हो गई थी उसकी एज। हाँ। तो आखिर में उन्होंने उखाड़ा था। नहीं, उसका वही कारण है, उसका जो पानी का मैनेजमेंट, पानी का। इसको बगीचा तैयार करने के लिए सर बात यह है कि इसमें 3 साल अपन फसल ले सकते हैं, उसके बाद बगीचे के हिसाब से लेना पड़ेगा। 3 साल अपने हिसाब से ले लो, 3 साल बाद बगीचे के हिसाब से आपको फसल लेना पड़ेगी कि यार इसको अपने को मार्च में पानी चाहिए है ना,
नवंबर तक दिसंबर पानी नहीं चाहिए नवंबर तक, बरसात के बाद पानी इसमें देना नहीं देना रहता नहीं, ज्यादा उसको वापस नवंबर में ही पानी बरसात के हिसाब से ही उसको छोड़ना है। फसल ले अपन कि जिसमें पानी बगीचे के रोटेशन के हिसाब से हो, तो इस कारण से कुछ लोग नहीं ले पाते, ऐसे कई लोगों को समस्या आती है। बहुत सारे लोगों को समस्या आती है क्योंकि देखो क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब जो चीज होती है ना, क्योंकि क्या होता है बहुत सारी चीजें अपनी जमीन पे भी डिपेंड करती है, सबसे क्योंकि क्या होता है सबसे बड़ा रोल है जमीन का, अपनी जमीन का। क्योंकि क्या होता है अपनी जमीन में कितना पानी कितने दिन में लगना चाहिए, ये उस चीज को आपको पहले सीखना पड़ेगा। वो आपको इसीलिए मैंने पहले कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट है फसल के अंदर पानी का मैनेजमेंट, अपने पानी अपना खेत क्या मांग रहा है वो देना पड़ेगा। अब आपको आपको आपने किसी से पूछ लिया कि भाई 2 घंटे देना, लेकिन आपके खेत को पानी 3 घंटे चाहिए, तो वो मैनेजमेंट अपने सीखना है कि भाई ऊपर की तरफ कितना पानी चाहिए, नीचे की तरफ कितना पानी देना पड़ेगा, क्योंकि पौधे को जब भी पानी ज्यादा होगा तो माल समस्या माल कम लगेगा। ओके, तो ये कैसे पता चल जाएगा कि भाई पानी ज्यादा दे दिया कम दे दिया, ऐसा कुछ होता है आइडिया पौधे से? देखो क्या, एक मिनट, ये आइडिया या तो अपन किसी अच्छे किसान पास जाइए जो पहले से बागवानी कर रहा है, या भी हमारे नंदू भाई है जो हॉर्टिकल्चर में बहुत कुछ अच्छा नॉलेज रखते हैं, हमने भी इनसे ही सीखा, तो ऐसे कोई भी से सलाह लीजिए और उनको बार बार विजिट करवाइए, तो आपको अनुभव हो जाएगा। और एक साल अगर उन्होंने आपने उनसे विजिट करवाई तो अगले साल आप खुद पकड़ लोगे और आप खुद समझ जाओगे अपने खेत में क्या है क्या नहीं है। ओके सर, तो जैसे कि आपने ये थैला का जो खुदवाया है तो इसका रीजन क्या है? तो ऑक्सीजन नीचे तक जाना चाहिए, इसका रीजन सही पूछा आपने। ये अभी जो माल लगा है ये माल को जो है ना ये बड़ा करेगा, ये जो आप देख रहे हो ना इस तरह के माल को ये जल्दी से बड़ा करेगा। और अभी इसको हम 10 दिन पानी नहीं देंगे, इसके अंदर हम डालेंगे पोटास, मैग्नीशियम, अमोनियम सल्फेट है ना, सुपर फास्फेट। तो ये क्या होगा, इसको बताइए सर, एक जाइम जाएगा इसमें, एक जाइम जाएगा। तो इससे क्या होता है कि देखो ये जमीन को खोरा लगाना, इसको बोलते हैं खोरा लगाना। तो ये खोरा जब भी आपका माल लग जाए, सेट हो जाए, आपको लग गया कि अपने खेत में अब पर्याप्त मात्रा में माल लग चुका है, लगने के बाद क्या होता है कि जमीन को एयर सर्कुलेशन करना, क्योंकि अपन फ्लड पानी देते हैं। फ्लड पानी में क्या होता है कि जैसे अभी ये पत्ती आपने देखा लिप ड्रॉपिंग हो चुकी है, ये क्या करती है पूरे जमीन पे अपनी कवर बिछा देती है। तो ये कवर से अभी क्या पौधा भोजन के लिए मतलब एयर सर्कुलेशन नहीं हो रहा, तो इस चीज को आपको मतलब वो पत्ते को भी अंदर करवाना है और मतलब उसको एयर सर्कुलेशन देना है। क्या होता है कि इसमें थोड़ी नॉर्मली समझ लो 10-15-20% जड़ कटिंग होती है, तो क्या होता है पौधा एयर लेने लग जाता है, और एक जड़ कटती है तो उसमें से 10 नई जड़ बाद में आती है, तो वो जब 10 जड़ नहीं आएगी तो पौधा क्या होता है कि भोजन अच्छी मात्रा में उठाने लग जाता है। तो भोजन अच्छी मात्रा में उठाएगा तो पौधा भी स्वस्थ होगा, साइज भी जल्दी बनेगी और पौधा हमेशा आपका हेल्दी दिखेगा, मतलब उसका बेनिफिट अपन को क्रॉप जल्दी करने के लिए भी बेनिफिट है। ओके सर, जैसे कि ये तो क्रॉप से रिलेटेड हो गई, जैसे कि हम मैंने देखा कि नींबू में ये परेशानी रहती है, इसके साथ अन्य जो फसल हॉर्टिकल्चर होती है उसमें भी कुछ ऐसी परेशानी रहती है कि अलग अलग अलग? देखो हर क्रॉप का सिस्टम ही अलग हो जाता है, मतलब जैसे अभी ये नींबू है, मतलब ये कांटे वाली जो भी फसल संतरा मौसमी नींबू, इनमें क्या होता है कि इनमें नॉर्मली जो शुरुआत में जब तक आपका माल लग रहा है तो उसको तब तक मतलब आपका स्प्रे शेड्यूल और आपका फर्टिकेशन शेड्यूल, ये दो चीजें आपको प्रॉपरली मतलब एक तौर पे आपको कहीं ना कहीं उसको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी फिनिशिंग जो है इसकी पत्ते की फिनिशिंग रहेगी। देखो ये पत्ता फिनिशिंग मतलब ये डगाल हमेशा ऐसी 4-3 महीने इसने ऐसा ही रहना चाहिए। पौधा भोजन कहाँ से करता है? लीफ से करता है, तो ये लीफ सुरक्षित रहेगी तो समझ लो कि तुम्हारा पौधा भी सुरक्षित है और माल भी सुरक्षित निकलेगा। ओके सर, जैसे ये तो हो गए प्रोडक्शन ले लिया किसान ने, पर मार्केटिंग में कोई समस्या जैसे आपको बताना चाहते हैं? देखो मार्केटिंग के हिसाब से मेरा क्या है कि मैं ज्यादा करके मेरा गाइड का काम है, और अब जो भी है नॉर्मली मतलब किसान को इसमें क्या होता है कि हमारे एरिया में बहुत सारे बगीचे उधड़े बिक जाते हैं और बहुत सारे किसान स्वयं तोड़ के इसको बाजार में भी बेचते हैं, तो दोनों में दिक्कत कई मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है कि किसान के पास क्या होता है कि लोड बहुत ज्यादा होता है, तो उस चीज को वो क्या करता है आधे बगीचे किसी व्यापारी को भी दे देता है उधड़े तौर पे, और थोड़े बहुत बगीचे वो अपने हिस्से में भी रखता है कि अपन भी अपन उसके साथ में अपना माल बाजार में बेच चले। अभी यहाँ क्या होता है कि इधर पास में सबसे बड़ा मार्केट है इंदौर, भैया आपको उस बारे में सविस्तर जानकारी दे देंगे। हम लगभग इंदौर यहाँ से नींबू बेचते हैं और उसके लिए गर्मी में तोड़ के हमको कार्बेट लगा के इसको पकाना पड़ता है, और फिर इंदौर तो अच्छे दाम मिल जाते हैं। अभी आज जो है तो 14 किलो की कट्टी जो है 700 रुपए के आसपास गई है, अब नींबू का भाव तेज होता जा रहा है,
तो मार्केट यहाँ है, कुछ लोग आते हैं व्यापारी यहाँ से भी ले जाते हैं माल पिकअप से, और कुछ को लगता है तो कोई गुजरात भेज देता है। है दो तीन जगह मार्केट इसका, आपका राजस्थान में चला जाता है, कुछ व्यापारी वहां से भी आ जाते हैं। क्योंकि एक्चुअल क्या हुआ, कसावा में कम से कम 70 से 80 बगीचे तैयार हो गए और 50 से 60 और लगने वाले हैं। नींबू का एक बहुत बड़ा हब बन गया, मतलब यहाँ पर व्यापारी लगभग सबको पता है, वो आ ही जाते हैं। डिमांड में ये सबसे बड़ा कसाव तीसरे में कह सकते हैं कि नींबू जाम का बड़ा हब है। अमरूद भी हमारे यहाँ व्यापारी गुजरात से आते हैं और अभी डिलीवरी होती है। सबसे बड़ी बात एक बताऊ मैं कि खरगोन डिस्ट्रिक्ट में और बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में, मतलब मैं जो जिले आज से नहीं, कम से कम मैं 12 साल 13-14 साल से घूम रहा हूँ, बाकी फिर भी मतलब जो मेरी देखरेख में है और मेरी जो नजर में है कि अभी सबसे बड़ा हब आपको जो मिलेगा हॉर्टिकल्चर का, तो आपको कसरावत बेल्ट में आपको जाम, केला, सीताफल हो, पपीता हो, मतलब हर हॉर्टिकल्चर क्राप में अभी किसानों ने इधर रुचि बहुत ज्यादा दिखाई है। और हॉर्टिकल्चर मतलब मेन हब मानने जाने वाला अब ये कसरावत तहसील हो गया है। ओके सर, जैसे कि ये तो हो गई मार्केटिंग से रिलेटेड, आप थोड़ा इनके डिस्टेंस के बारे में बता दीजिए कि किसने कितने में आपने लगाया ये? ये हमने 18x18 पे लगाया है, 18 फुट इस तरफ 18 फुट इस तरफ दोनों, मतलब आम चौरस 18x18 और वैसे 20x20 पे लगता है। ओके, अगर किसी की जमीन मान लो थोड़े से और हल्की मीडियम मीडियम है तो 16x16 मतलब अपने हिसाब से थोड़ा सा आदमी को जमीन, इसमें क्या होता है जमीन का जो मेन दायरा रहता है, जितनी भारी जमीन हो उतनी थोड़ी डिस्टेंस आप ज्यादा रखें, और जितनी हल्की मीडियम जमीन हो उतनी, मतलब फिर भी दो लाइन की डिस्टेंस आपको थोड़ी हमेशा बढ़ा के रखना है। भले पौधे की जैसे आप इधर हमने 18x18 रखी है, उसको आप 16 कर सकते हो, 15 कर सकते हो, बाकी दो लाइन कम से कम मतलब 16 से कम नहीं होना और 20 से ऊपर भी नहीं जाए, मतलब 16 से लेके 20 के बीच में आप इसको रख सकते हैं। 16 से 20 मतलब प्लांट संख्या कम होती है, फिर आदमी को पर एकड़ में आमदनी कम होने लग जाती है, उसके लिए थोड़ा सा इसको क्या है कि दूरी बनाए रखने के लिए क्या कठिन हर साल इसकी करना पड़ती है, जब चारों तरफ से इसको हवा के लिए जगह बनाए और अपने को निकलने के लिए, मजदूर को निकलने के लिए, क्योंकि अभी नींबू आदमी नीचे जाएगा, नीचे जाके ही बिनता है, मतलब उसको एकड़ी से तोड़ना ये जो भी काम है वो सब नीचे बैठ के ही करता है। अभी इस पे ये माल का जो वजन बनेगा तो ये माल जो है ना पूरा नीचे आएगा, ये पूरा अभी 2 महीने में पूरा अंदर घुसने की जगह नहीं रहेगी। इतना आपको जो गैप दिख रही है इसमें भी, जैसे इसमें वजन आ गया नीचे हो गया, इसे नीचे होता जाएगा, तो इसको हर साल कटिंग छटिंग करना ही पड़ेगी। यही इसमें सबसे बड़ा काम है कि इसमें एक तो बोर्डो पेस्ट का स्प्रे, एक रिंचिंग और दूसरा इसकी कटिंग, पुताई चीजों का पुताई भी, पुताई इसके तने में पुताई होती है। ये पुताई जब होना चाहिए बरसात के पहले, मतलब जैसे समझ लो कि अपना मई आ गया, 15-20 मई आ गया, तो उसके बाद आपको बोर्डो पेस्ट की बकायदा क्लोरो के साथ में या फिर नुआन के साथ में बकायदा आपको उसकी पूरी 2-2.5 फीट तक की जो भी उसका स्टंप रहता है वहां तक आपको हर साल बकायदा टाइम से टाइम पुताई करना है। और नहीं तो फिर बारिश में 2 बार से 3 उसको 2 बार डायरेक्ट थाले में, मतलब पौधे के तने के पास में डायरेक्ट 2 लीटर थोड़ी रिंग बना लो, वहां डाल दो और बाकी का पूरा थाले में भी डाल दो। 4 महीने के अंतराल में 4 लीटर पानी जैसे भी डंठल के पास डाल देते हैं। उससे मेन चीज डालने का कारण ये होता है, नींबू क्या होता है कि 5 साल 6 साल बाद कभी कदार गोड़ बैठने लग जाते हैं, तो वो गोड़ बैठे नहीं और अपने पौधे सुरक्षित रहे, पौधा बरसात में ज्यादा पानी हो जाए तो भोजन रोके नहीं, उसकी जड़ सड़े नहीं, उसी चीज के लिए अपन को वो ट्रीटमेंट आपको करना है। क्योंकि अभी हमारे पास एक 24 साल का बगीचा है जिसको 24 वर्ष हो गए, ये इसको अभी 10 साल हुए, अभी एक आप देख के आए प्याज में जो अभी नया जो है इसको 6 महीने हुए लगाने का प्लांट, तो क्या है कि इसको लंबा चलाने के लिए सब तरह से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा सारी चीजों का ध्यान रख के। तो उसका सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट यही है कि बोर्डो पेस्ट इसमें बार बार डाला जाए और छिटा भी जाए। ओके सर, जैसे कि इसमें जो सॉइल रहती है कौन सी बेस्ट रहती है सॉइल? देखो नींबू के लिए और हॉर्टिकल्चर के लिए आपको कभी भी लेना हो तो नॉर्मली जिस जमीन में नॉर्मली 40% तक भी मतलब कंकर हो या रेती हो या जो भी चीज मिले वो जमीन सबसे ज्यादा सुटेबल रहती है। हल्की मीडियम जमीन मतलब जो मुरुम वाली अपन लाल तांबड़ मिट्टी जो बोलते हैं उन चीजों में वास्तविक में बगीचा खेती सबसे अच्छी होती है और प्रॉपरली क्या होता है कम मेंटेनेंस में वहाँ फ्लावरिंग जल्दी आ जाना, साइज बन जाना, इन चीजों में वहाँ अपन को बेनिफिट सबसे ज्यादा मिलता है। और रही बात पौधे की लाइफ भी उस बगीचों में, मतलब वो हल्की मीडियम जो लाल तांबड़ की जमीनें रहती है वह लाइफ भी हमेशा ज्यादा मिलती है
और क्या होता है बहुत ज्यादा गहरी काली मिट्टी जो मतलब 10-10, 12-12 फीट 15-15 फीट काली मिट्टी हो, तो क्या होता है काली मिट्टी में जब भी पानी ज्यादा होगा तो ये समझ लो कि विल्ट मतलब अपन जिसको बोलते हैं गोड़ बैठने की समस्या उसी जमीन में आपको ज्यादा मिलेगी जो अपन काली जमीन जिसको बोलते हैं। हल्की काली मिट्टी, हल्की मतलब ज्यादा हल्की जमीन होना चाहिए ना, ज्यादा काली। हाँ मतलब मीडियम जो अपन बोलते हैं कि पानी पकड़ के भी रखे और पानी की निकास भी करे, मतलब अच्छी निकासी वाली जमीन। हाँ बस बस अच्छी निकासी वाली, अच्छी निकासी। ओके तो सर इसके साथ और कुछ आप बताना चाहते हो किसानों को? देखो क्या है कि समस्या तो बहुत है, अब समस्या का अपन भले कितना भी इसमें देखो हॉर्टिकल्चर में एक चीज होती है कि आप जितना सीखोगे उतना कम है, पर इसको क्या है कि जितना आप प्रैक्टिकल सीखोगे उतना आपका ज्यादा बेनिफिट है। देखो बताना और करने में दो अंतर होते हैं, पर अपन को क्या है कि कोई बता रहा है तो उस चीज को आप पहले समझ लो और उसका टाइमिंग मैनेजमेंट। देखो हमने बता दिया और आपने उस टाइमिंग पे उस चीज को फॉलो नहीं करा तो नुकसान क्या होता है कि उसका जो शेड्यूल रहता है वो डिस्टर्ब होता है, फिर उसमें क्या होता है कि फिर वो माल कम आना ये चीजें, फिर उस चीज को टाइमिंग मैनेजमेंट। हॉर्टिकल्चर में आपको कभी सक्सेस होना है तो आपका सबसे पहले टाइमिंग मैनेजमेंट को सीखना बहुत जरूरी है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम आजकल क्या है, मौसम तो मौसम के ऊपर सारा खेल मायना रखता है, जो मांगेगा वो चीज अपने को देना। और वही समझने के लिए आपको एक सजेशन चाहिए, कोई भी अच्छा परामर्श वाला मिल जाए, जो किसान बहुत समय से बागवानी कर रहा है या जिसको नॉलेज है उससे बिल्कुल संपर्क बनाए रखो। जैसे नंद भाई जैसे हमारे गांव में आए तो हम इनसे संपर्क ही देते हैं। ओके सर, तो ये वीडियो यहीं तक का था, जैसे कि नंद कुमार जी ने पूरी डिटेल बताई है और साथ में यदि आपको कुछ और डिटेल चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं और यदि आसपास के किसान हो तो उनसे जो सजेशन भी कुछ ले सकते हैं। और इस एजेंसी का नाम है सिद्धि विनायक एग्रो एजेंसी और साथ में जो नंबर तो आपको साइट में दिख रहे होंगे इनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।